आप सबने स्पेस स्टेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्पेस स्टेशन क्या होता है और दुनिया में कितने स्पेस स्टेशन हैं? आइए आज हम जानते हैं स्पेस स्टेशन के बारे में। स्पेस स्टेशन क्या होता है? स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। इसको इंसानों को रहने के लिए सभी सुविधाएं हो ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिसे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। इसके अलावा इसमें इतनी क्षमता होती है कि इस पर अंतरिक्ष यान उतारा जा सकता है। इन्हें पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। स्पेस स्टेशन एक प्रकार का मंच है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है और आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है। दुनिया में कितने स्पेस स्टेशन हैं? अप्रैल 2018 तक 2 स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन का सियानगोंग 2। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया गया है ताकि वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहकर काम कर सके। आइए अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टेशन है जहां से अंतरिक्ष के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाकर इसके ऑर्बिट यानी कक्ष में स्थापित किया गया। 1998 में सबसे पहला मॉड्यूल रूस का जरिया मॉड्यूल में प्रक्षेपित किया गया था। 2 नवंबर 2000 से लगातार एस्ट्रोनॉट इस स्टेशन में काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका वजन लगभग 3,91,000 किलोग्राम है। इसमें 6 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक रह सकते हैं। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 248 मील यानी लगभग 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर उड़ता है। यह 90 मिनट में लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या आपको पता है एक दिन में यह इतनी दूरी तय कर लेता है जितनी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में और वापस आने में लगती है। इसको आकाश में चमकीले चलते हुए प्रकाश की तरह नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में नासा, रशिया का रोसकॉस्मोस स्टेट कॉरपोरेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, द कैनेडियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसियां काम कर रही हैं। 18 देशों के 230 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा किया है। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी इस पर खोज कार्य कर चुकी हैं। पैगी विटसन ने 2 सितंबर 2017 को 665 दिनों में अंतरिक्ष में रहने और सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पूरे स्टेशन में सिर्फ 2 बाथरूम हैं। अंतरिक्ष यात्रियों और प्रयोगशाला के जानवरों का यूरिन फिल्टर होकर फिर स्टेशन की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को कभी पानी की कमी ना झेलनी पड़े। इस स्टेशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के जरिए आती है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री किसी भी समय यान से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। क्या आपको पता है पहली बार स्पेस वॉक किसने किया था? हमें कमेंट्स करके बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।